देवी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित बाराद्वारी मंदिर के प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया गया। रिमझिम बारिश के चलते श्रद्धालुओं का आना जाना चलता रहा। यह महाभंडारा बाराद्वारी मंदिर विकास समिति के द्वारा कराया जाता है। समिति के अध्यक्ष वीरेन पाटीदार और सलाहकार हुकुम पाटीदार ने बताया कि हमारी समिति के द्वारा वर्षों से यहाँ भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है। समिति के सभी साथियों ने सहयोग से ये जनकल्याणकारी कार्य कराया जाता है। वीरेन पाटीदार ने मंदिर के बारे में बताते हुए कहा कि यह देवी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिर है, जहाँ 12 द्वार बने हुए हैं जो कि चारों ओर से देखने पर एक समान प्रतीत होते हैं। माता अहिल्या देवी के द्वारा यहाँ पर विश्राम भी किया गया था, जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के मंदिर के साथ महाबली हनुमान का पौराणिक मंदिर भी स्थित है, जिसे पूर्वमुखी हनुमान विराजित है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पे बाराद्वारी ग्राम ठनगांव के पास जो भंडारा किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सभी सम्मानीय और बुजुर्गों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कई वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये आनंददास बाबा के समय से जुड़े हुए लोग हैं और ये गुरु नाम से ही भंडारा चालू हुआ था। कई वर्षों से भंडारा होते आ रहा है और आज हजारों की गिनती में यह भंडारा होता है और ये भंडारा विशाल भंडारा के रूप है और उसके बाद आने वाले कई वर्षों से यहाँ से विकास होते आ रहा है इस मंदिर का। आज ये अहिल्या ट्रस्ट मंदिर का है और ये आसपास जो क्षेत्र है, तालाब के आसपास, मंदिर के आसपास जो क्षेत्र है, वृक्षारोपण हो रहा है। और पिछले साल भी हमारे SDM साहब ढोके साहब थे, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा, उन्होंने CRPF टीम पहुँचा कर यह पौधारोपण करवाया। इस बार भी उन लोगों को उसके प्रति जो भावना बढ़ी है और लोगों की जागरूकता बढ़ी है, आज हजारों की तादाद में आकर यहाँ भंडारा प्रसादी ले रहे। इतनी बारिश होने के बाद भी लोगों ने समय देकर अपना समय का योगदान दिया और प्रसादी ग्रहण की। आज मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी को कहना चाहता हूँ कि समय निकाल कर इस बाराद्वारी मंदिर, इस अहिल्या ट्रस्ट मंदिर में कई वर्षों से यह भंडारा होते आ रहा है, आप भी अपना समय का योगदान दें। कभी भी समय 12 महीने में एक दिन भी समय निकाल कर आए। यहाँ राम मंदिर है, पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है और एक 12 द्वार है, जिसके चारों तरफ 12 द्वार लगे हुए हैं। कई क्षेत्र दूर से वो दिखता है 12 द्वार। माँ अहिल्या यहाँ इंदौर से आते थे या महेश्वर से जाते थे तो नाइट हॉल रुकते थे, उन्होंने ऐसी जगह बनी। मैं आने वाले भविष्य में और चाहता हूँ इससे विशाल बहुत बड़ा रूप लेगा और आसपास जो क्षेत्र का विकास होगा। जब वृक्षारोपण किया है, इस बार भी वृक्षारोपण हो रहा है। मैं सभी जितने भी आसपास क्षेत्र के सम्मानी और युवा साथी है, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा। भक्तों को मंदिर तक आने में, रास्ते में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास के क्षेत्र में दो पंचायत लगी हुई है, मंदिर ऐसी जगह फंसा हुआ है, इधर ठंगाव पंचायत लगती, इधर मलिक्षा खेड़ी पंचायत केरिया खेड़ी लगती है, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी काम हुआ नहीं है। हम हर बार आवेदन देते, अभी तक यहाँ जो भी काम हुआ लोगों के जनसहयोग से हुआ, भंडारा प्रसादी और ये भी जनसहयोग से हुआ, यहाँ सरकारी फंड अभी तक नहीं आया। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जैन सहयोग मिले। पहले भी पुरातत्व विभाग की टीम भी भोपाल से आ चुकी है, उसके बारे में अपडेट हुआ था, पर यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम थोड़े से भिड़े हुए हैं और जागरूकता ला रहे हैं। अब आने वाले समय में हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन का सहयोग मिले। अब नया अभी पंचायत चुनाव है, दोनों जगह पंचायतें बैठ गई, इनको एक बार ये पंचायत खारिया पंचायत है वो जो मेन रोड से मंदिर तक एक रास्ता जोड़े, ठंगाँव पंचायत है वो ठंगाँव से मंदिर तक रास्ता जोड़े। हम चाहते हैं कि मंदिर से मेन रोड बन जाए तो लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो। तकलीफ की बहुत परेशानी, रास्ते की बहुत तकलीफ पड़ती है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा शुभ नाम है, मैं तो सेवाभावी हूँ, वीरेन पाटीदार मेरा नाम है और मैं यहाँ मंडी मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ और हमारे बीच में हुकुमचंद जी पाटीदार सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।